वैश्विक महामारी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में हो रही तैयारियों का कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही संभाल रखा है। मिर्जापुर के दौरे के बाद 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पहुंचे, जहां लेवल 2 स्तर के बन रहे 200 बेड के कोविड 19 अस्पताल की तैयारियों का निरीक्षण किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड वार्ड, पोस्ट कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। बोइंग कंपनी तथा केयर इंडिया की ओर से स्थापित किए जा रहे 200 बेड के कोविड वार्ड का निरीक्षण करने के साथ मुख्यमंत्री लिफ्ट से तीसरे तल पर गए और वहां भी वार्ड से जुड़ी व्यवस्थाएं देखी। इसके बाद उन्होंने पोस्ट कोविड मरीजों के लिए बनाए जा रहे पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्स सिटीज वार्ड का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के पूछने पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने बताया कि ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम चल रहा है, बेड की व्यवस्था हो चुकी है, ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने वाला है। जैसे ही प्लांट शुरू हो जाएगा सभी वार्ड भी संचालित किया जाएगा। कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने एम्स द्वारा शुरू किए गए 34 बेड के कोविड वार्ड के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सभी कार्य जल्द पूरा करते हुए वार्डों को शुरू करने का निर्देश दिया, जिसमें कोविड मरीजों का बेहतर इलाज किया जा सके। किनारे किनारे दो इन साइड ना यहाँ आप लोग की समस्या है कि आप करते नहीं, आपको केवल हवा खड़ा पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में दो। और मैं 15 दिन पहले ये कब तक इसको शुरू कर देंगे जो है? ये सर 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी सर, पहली जून से सर।
ये जो है अभी इनकी मैनिफोल्ड डाल लेते हैं। आ गया था मैनिफोल्ड और ये जैसे लग जाएगा प्लांट सर इमीडिएटली इट विल बी इनका एक है आपके बॉस गए आपके बॉस आप लोग इस साइड ऐसे ही इसको ऊपर फ्लोर भी कंप्लीट हर परिस्थिति के तैयार है कोविड पोस्ट कोविड अरे भैया